प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में कई समय से बीमार हों, कई समय से परेशान हों, कई समय से चिंतित हों, तो आज मैं आपसे कहूंगा, प्रभु आपकी चिंताओं को, आपकी उन परेशानियों को, आपकी उन समस्याओं को, उस बीमारी को आपके जीवन से दूर कर देगा। आमेन। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय 32 से 35 पद में हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है एनियास। एनियास लुद्दा नामक नगर का रहने वाला था, और वो व्यक्ति लगभग 8 सालों से लकवे की बीमारी में पड़ा हुआ था। और उसके बारे में लिखा है कि वो अपनी खाट पर ही लेटा रहता था, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता था। एक बार ऐसा हुआ जब पतरस उस नगर में था और वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को बता रहा था, तो इतने में पतरस ने उस व्यक्ति को देखा जो व्यक्ति 8 साल से बीमार पड़ा हुआ था। तो पतरस ने उसकी ओर देखकर इस प्रकार से कहा, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वे तुरंत उठ खड़ा हुआ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पतरस ने उससे कहा कि हे एनियास, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, तो उठ। और ये सुनकर वो लकवे का बीमार व्यक्ति अपनी खाट से उठ खड़ा हुआ और वो चलने फिरने लग गया। यहाँ पर पतरस ने कहा, प्रभु यीशु तुझे चंगा करता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप उस बीमारी में पड़े हैं, उस समस्या में पड़े हैं, उस चिंता में पड़े हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू चंगा हो जा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। इसलिए आप उठें, उस समस्या के जीवन से उठें, उस चिंताओं को छोड़कर उठें, उस अपने खाट को छोड़कर उठें, उस कुर्सी को छोड़कर उठें और चलें और फिरें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु तुझे चंगा करता है। दोस्तों, आप जानते हैं बहुत से बीमार चंगे हुए हैं इन प्रार्थनाओं के द्वारा। एक बहन को 12 साल से पाइल्स की बीमारी थी, और जब उसने प्रार्थना करना हमारे साथ में शुरू किया तो वो चंगी हो गई। बहुत सी बहनें थी जिनके पास कई सालों से बच्चे नहीं थे, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो उनके बच्चे हो गए। बहुत से भाई थे जो बहुत सी समस्याओं में थे, जो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो उन्होंने उन समस्याओं से छुटकारा पाया, उन बीमारियों से छुटकारा पाया, उन बुरी लतों से, शराब की लत से, अनेक प्रकार की लतों से, एडिक्शन से उन्होंने छुटकारे को पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वे चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वे छुटकारा पाएं। बहुत से बहनें, बहुत से भाई जो दुष्ट आत्माओं के बंधनों में थे, जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो उन्होंने दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को पाया, और आज वो आनंद और खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज सामने आपसे कहूंगा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, क्योंकि वो अभी आपको चंगा कर रहे हैं। उस बिस्तर से आप खड़े हो जाएं, उस चिंता को छोड़कर आप खड़े हो जाएं, उस परिस्थिति को छोड़कर आप खड़े हो जाएं, प्रभु की सामर्थ्य में उठ खड़े हो, प्रभु आपको चंगा करता है। यकीन मानिए, आप भी एनियास की तरह अपने बिस्तर से खड़े होकर चलने फिरने लगेंगे, तब चाहे आपकी बीमारी कितने ही साल पुरानी क्यों ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनियास 8 सालों से बीमार था। हो सकता है आप भी 8 सालों से बीमार हो, 10 सालों से बीमार हो, 15 सालों से बीमार हो, 1 साल से बीमार हो, प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें, वो आपको चंगा करेगा। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप बाइबल में पढ़ते हैं, हर एक बीमारी यीशु के नाम से भागती है, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटता है, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको चंगा करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, और मैं जीसस भगवान को दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ में पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमेशा हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। मैं कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोच रही थी कि मैं मर जाऊँ, जीकर क्या करूँगी मैं।
मुझे कुछ लोगों ने इतने ज़्यादा परेशान कर दिया था। मुझे किसी ने बताया कि तुम जीसस भगवान का प्रेयर करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जीसस भगवान की प्रेयर की, मैं उनको सारी प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने मेरी सुन ली, सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक कर दी। जस्ट कुछ दिन के बाद मेरी माँ के पैर में बहुत डेंजरस पस बन गया था, जिसे डॉक्टर बोले थे कि ये घुटना की बात है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन किए ठीक नहीं हो पाएगा। साथ में ये भी बोले थे ऑपरेशन करने के बाद भी ये ठीक नहीं होगा। तो हमने जीसस भगवान का प्रेयर किया और मेरी माँ का पैर बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया है, वो भी बिना ऑपरेशन किए हुए। और साथ में ये भी प्रॉब्लम थी कि मेरी मम्मी को 20 साल पहले जब मैं पैदा नहीं हुई थी उसके पहले से गठिया था, जो हर जगह से दवा करवा करवा करके थक गई थी मम्मी, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ था। और आज जीसस भगवान की कृपा से मेरी माँ एकदम चंगी हैं, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर अपने विनती निवेदनों को उसके सम्मुख रखें, उससे प्रार्थना करें। आज आप जिस भी परेशानी में हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु, स्तुति के साथ, आराधना के साथ में प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, प्रभु तेरे नाम की तारीफ करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं लॉर्ड फादर। सच में प्रभु हम घटे पिता और आप हम में बढ़ते चले जाइए प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु आप भले और अच्छे परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रिय मित्र हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप चंगा करने वाले प्रभु हैं, उपाय करने वाले, जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, उद्धार करता है प्रभु, छुटकारा करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके पवित्र उस सामर्थ्य उस ऊंचे नाम की हम तारीफ करते हैं ऊंचे स्वर में, हालेलुया। अपने हृदय की गहराइयों से पिता हम चिल्ला कर कहते प्रभु कि तू महान है पिता, तू अति महान है प्रभु, सर्वोत्तम है पिता, सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है खुदा। प्रभु जी सच में मेरे खुदा बादलों में सवार होकर आने वाला है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु आज शाम में इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है, यीशु मसीह के नाम से पिता आप उन्हें ब्लेस करें, यीशु आपकी उपस्थिति को वो महसूस करें, आपका आत्मा उन्हें आज की प्रार्थना में अगुवाई करे। जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, जो पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, लॉर्ड पवित्र आत्मा आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें गाइड करें कि कैसे करके वो यीशु से अपने मन की बातों को कहें। हालेलुया, हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवार से निकल जाए अभी और इसी वक्त प्रभु। ये फुली कनेक्ट होने पाए, संपूर्ण मन से तुझसे कनेक्ट हो सके पिता, ताकि जो भी इनके अंदर दुख है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, वो तुझसे खुल कर कह सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह कि आपने दिन भर में संभाला प्रभु, ये समय दिया कि हम आपके पास आए मेरे प्रभु, मेरे खुदावन। दिन भर में परमेश्वर यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी गलत काम हमारे द्वारा हुआ है, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है, तो पिता हम उन सारी गलत बातों को आज प्रभु हृदय खोल कर आपके सम्मुख रखते हैं, कहते प्रभु हमें क्षमा करें, हमें माफ करें इन गलत बातों से मेरे खुदा। और प्रभु हम इन्हें कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं, वरन प्रभु तेरी पवित्रताई में, तेरी सिद्धताई में प्रभु जी हम आगे बढ़ सके लॉर्ड। थैंक यू फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के सुंदर वचन के लिए लॉर्ड, कि आज अपने सामने प्रभु जी अपने बेटे बेटियों से अपने वचन के द्वारा आपने स्वयं हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, आप हमें चंगा करना चाहते हैं इन भाई बहनों को, इनकी परिस्थितियों से, इनकी बीमारियों से, इनके लाइफ की प्रॉब्लम से आप इन्हें चंगा करना चाहते हैं लॉर्ड। जिस प्रकार आपने एनियास को प्रभु चंगा किया प्रभु, जो 8 साल से उस समस्या में था प्रभु, आपने उसकी सुधि लेकर उसे चंगा किया और वो उठ खड़ा हुआ और वो चला और फिरा सिर्फ तेरी सामर्थ को पाकर।
आज प्रभु यीशु मसीह हम इन भाई बहनों के लिए जो आपके सम्मुख आए हैं, जो आज अपने हृदय को आपके लिए खोल रहे हैं, यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाँ यीशु सिर्फ आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो प्रार्थना का उत्तर देने वाले, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, हमारे संग संग चलने वाले, हमारे निवेदनों की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। मैं विनती करती हूँ हाँ प्रभु इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे, हमारे साथ जो प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, यदि अनियास के तरह प्रभु कई सालों से यदि ये बीमार है पिता, अनियास के तरह प्रभु समस्या से ये जूझ रहे हैं प्रभु, तो हम कहते हैं यीशु मसीह आपको चंगा करता है, हालेलुया, यीशु आप इन्हें चंगा करें, अनियास के तरह इनकी बीमारियों से, इनकी परिस्थितियों से, इनकी मुश्किलों से, इनके संकटों से आप इन्हें चंगा करें पिता, आज प्रभु जी उस बिछौने को उलट कर वो खड़े हो जाए पिता, हाँ मेरे प्रभु जी वो उठ खड़े हो उस परिस्थिति से पिता, यीशु के नाम से जो परिस्थिति प्रभु इन्हें खींचे हुए है उस खाट की ओर, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए और ये उठ खड़े हो पिता, और ये आगे बढ़े प्रभु, और ये चंगे हो जाए तेरे वचन और वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, जो कई सालों से बिस्तरों में पड़े हैं पिता, आज वो वचन उनके लिए कहता है कि उठ खड़े हो, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इसी समय प्रभु हम प्रार्थना करते कि वो भाई ये बहन जो प्रभु कई सालों से बिस्तरों में पड़े, यीशु के नाम से आज उनके शरीर में सामर्थ्य उतर आए पिता, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, ये उठ खड़े हो यीशु के नाम से, एक बड़े गवाह के रूप में ये उठ खड़े हो यीशु, ताकि तेरी महिमा ऊंचे स्वर में ये कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, यदि आज इन भाई बहनों की परिस्थितियां विपरीत है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें चंगा करें, यदि आज ये दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है, यीशु के नाम से इनके जीवन में छुटकारा आने पाए, ये छुटकारा पाए अभी और इसी वक्त दुष्ट आत्माओं से इनका और इनके परिवार का छुटकारा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये मुश्किलें, ये कठिन समय इनकी लाइफ और इनका परिवार इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से, इन संकटों से आज छुटकारा पाए यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह इस परिस्थिति इन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आज इस वचन को कहना शुरू करें कि यीशु मसीह मुझे, मेरे परिवार को निकालना चाहते हैं, हालेलुया। आप घोषणा करें इस वचन की, आप अपने लिए इस वचन को कहें, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इस वचन को कहें, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय जब आपके बेटे बेटियां इस वचन को अपनी परिस्थिति के लिए कोड कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, लॉर्ड होने दीजिए वचन एनियास की तरह इनके जीवनों में भी पूरा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से यदि आज इनके परिवारों में, इनके जीवनों में कोई भी समस्या है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यदि परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, कोई भी पारिवारिक समस्या यदि इनके जीवन में, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, क्योंकि पिता आप इनकी सुधि लेते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय, आज की शाम में जितने भाई बहन बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनका हर एक कैंसर, इनकी हर एक एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक ट्यूमर, हर एक अल्सर, कोरोना वायरस इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इन बीमारियों को, निकल जाओ यीशु के नाम से, उठ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से, ये बीमारी तुम्हारा अंत हो जाए यीशु के नाम से, हम तुम्हें रिब्यूक करते हैं, हम तुम्हें नष्ट करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आज आपके बेटे बेटियां इन बीमारियों से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम से, इनके शरीर भले चंगे और स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, घुटनों में जॉइंट्स प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके जॉइंट्स को छू ले पिता और हील करे पिता, इसी समय वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें हेयर फॉल प्रॉब्लम है प्रभु, आप उन्हें छू ले और चंगा करें इसी समय यीशु के नाम से। प्रभु जी जिन्हें दांत खुजली और फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने उन्हें छुआ और चंगा किया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, जिन्हें प्रभु कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, यीशु के नाम से उनका पेट चंगा हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, यदि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता यीशु के नाम से इनका शरीर चंगा हो जाए, इनकी आंखें चंगी हो जाए, इनके कान
चंगे हो जाएं, इनके जीभ चंगी हो जाए यीशु के नाम से, इनकी स्किन चंगी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हम नहीं जानते आज ये किस बीमारी से ग्रसित है, परंतु आप जानते हैं उस बीमारी को जो इनके शरीर में पाई जाती है, हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु इन्हें चंगा करता है। हालेलुया, धन्यवाद। आज रात में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जितने भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे हैं, एक एक प्रार्थना निवेदन इन भाई बहनों के नाम लेकर प्रभु आप जानते हैं यीशु के नाम से वो प्रार्थना निवेदन पूरे होने पाए, इनकी प्रॉब्लम्स जाने पाए, इनके जीवन में सॉल्यूशंस आने पाए। आज वो जिस भी प्रार्थना निवेदन को भेजे हैं यीशु के नाम से उसका उत्तर आने पाए पिता। धन्यवाद जो डेली लिसनर्स हैं, निरंतर प्रार्थना करते, यदि आज उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद पिता, और ये तुझ में बढ़ते चले जाए मेरे यीशु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती निवेदनों को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। प्रभु आज रात में प्रभु आप अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे पिता। धन्यवाद, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।